वेलकम करता हूं दोस्तों एक और नई फ्रेश अपडेट के साथ। और इस वीडियो में हम बात करेंगे टाटा प्ले डीटीएच को लेके। जी हां, अगर आप टाटा प्ले डीटीएच के सब्सक्राइबर हैं तो फ्रेंड्स अब आपको एक टीवी चैनल टाटा प्ले पर बहुत जल्द देखने के लिए नहीं मिलेगा। और इस टीवी चैनल का नाम क्या रहेगा, कौन सी कैटेगरी का रहेगा और आपको कब से टाटा प्ले के प्लेटफॉर्म पर ये चैनल देखने के लिए नहीं मिलेगा, देंगे पूरी जानकारी हम विस्तार से। लेकिन फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करें ताकि हमारी ऐसी ही वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिले सबसे पहले। और फ्रेंड्स हमारे सेकंड यूट्यूब चैनल वहाँ फिर डिश 2 को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दोस्तों अगर आप हमारी इस वीडियो को इंस्टाग्राम या फेसबुक पर देख रहे हैं तो दोस्तों आईडी को भी फॉलो ज़रूर कर लें। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आज की वीडियो के टॉपिक की ओर और बात करते हैं टाटा प्ले डीटीएच से रिमूव होने वाले चैनल्स के बारे में। तो फ्रेंड्स इस चैनल का नाम रहेगा जन्म तमिल टीवी। जी हां, जन्म तमिल टीवी के बारे में हमने आप सभी को पहले भी बताया है कि टाटा प्ले डीटीएच से रिमूव होने वाला है, लेकिन इस चैनल की एक बार फिर से डेट बदल दी गई है और अब आपको टाटा प्ले डीटीएच पर एक नई डेट से ये देखने के लिए नहीं मिलेगा। जी हाँ, टाटा प्ले पर अब आपको ये नई डेट से देखने के लिए नहीं मिलेगा जो कि रहेगी 30 अगस्त 2024। जी हाँ, 30 अगस्त 2024 से टाटा प्ले डीटीएच पर आपको जन्म तमिल टीवी चैनल्स देखने के लिए नहीं मिलेगा जो कि अभी आपको टाटा प्ले डीटीएच पर देखने के लिए मिल रहा है। तो फ्रेंड्स ये थी एक छोटी सी जानकारी जो कि आज की इस वीडियो में हमने आप सभी को दी। आप सबको ये जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आज की वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।